हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 17 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 18, पत्र लेखन। आइए बच्चों, इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। पाठ 18, पत्र लेखन। तो बच्चों, पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लेखन में हम पत्र लिखते हैं किसको? जब हमें निमंत्रण देना होता है अपने दूर बैठे मित्रों को, रिश्तेदारों को या प्रियजनों को। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है। वर्तमान समय में संचार के नए नए साधन होने के बावजूद पत्र आज भी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों, रिश्तेदारों, प्रियजनों और अन्य लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो पत्र क्या है बच्चों? पत्र हम किन्हें लिखते हैं? जो हमारे दूर बैठे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सगे संबंधी हैं। आज के समय में हम मोबाइल का उपयोग करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आज भी हम पत्र भी लिखते हैं, जो कि संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। आगे देखते हैं पत्र के प्रकार। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? इन्हें घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये अपने मित्रों, प्रियजनों आदि को लिखे जाते हैं। जो पत्र कौन से हों घरेलू, वो कहलाएंगे अनौपचारिक पत्र। दूसरा देखते हैं औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? इन्हें भारी पत्र भी कहते हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय या जान पहचान नहीं होती। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक कौन सा है? जो भारी पत्र है। भारी पत्र में कौन कौन आया? मतलब कि जैसे हमें अपने प्रधानाचार्य को लिखना हो, किसी संपादक को लिखना हो, किसी विक्रेता को लिखना हो आदि। अब यहाँ हमें दिया है अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। जैसे कि पहला बताया है मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे बच्चों हम परीक्षा भवन कानपुर 9 अगस्त जो भी सन चल रहा है, प्रिय मित्र मधुर स्नेह। सबसे पहले हम ये लिख देंगे कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, क्या तारीख है और कौन लगते हैं वो हमारे, जैसे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? मैं और मेरे परिवार के सभी लोग यहाँ सकुशल हैं। आशा है आप भी वहाँ सकुशल होंगे। 14 अगस्त को तुम्हारा जन्मदिन है, उसके लिए मेरे और मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे तुम अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त रहो, करते रहो। अंकल और आंटी जी को मेरा प्रणाम और मिनी को प्यार देना। बच्चों, जो भी हमें कुछ लिखना है यानी कि उन्हें बताना है, जिस चीज का हम निमंत्रण दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे हम बीच में लिखेंगे। उसके बाद अंतिम में हम क्या लिखेंगे? पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र नितिन। यानी कि क्या बताएंगे कि आप उसका उत्तर दें और जो आप लगते हैं यानी कि मित्र हैं तो मित्र, रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे। तो जब भी आपको जन्मदिन के लिए बधाई पत्र भेजना है तो आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हमें दूसरा बताया है पत्र नाना जी द्वारा जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद। यानी कि अब हमें धन्यवाद देना है तो वो हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना पता, B22 सेक्टर 73 चकेरी रोड कानपुर। पहले हमने पता लिखा, फिर हमने दिनांक लिखी। अब लिखेंगे आदरणीय नाना जी सादर चरण स्पर्श, उनको हम संबोध करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जो हमें धन्यवाद देना है वो हम लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। आपका भेजा हुआ पार्सल और पत्र कल ही मुझे प्राप्त हुए। आपने इस बार मेरे जन्मदिन पर एक शानदार पेन और मेरे प्रिय लेखक की कुछ पुस्तकें उपहार स्वरूप भेजी हैं। पार्सल पाकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई।
ये पुस्तकें मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। आपके द्वारा भेजे गए उपहार की सभी ने सराहना की। आपके इस अनमोल उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यानी कि जो भी हमें उनको उपहार के बारे में बताना था कि ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हुई या खुश हुआ, जो भी आपको कुछ बताना है वो आप बीच में लिखेंगे और धन्यवाद देंगे। उसके बाद में क्या लिखना है, मामा जी तथा नानी जी को मेरा प्रणाम, आपका नाती आरफ शर्मा। बाद में उन्हें प्रणाम करके अपना नाम बता दें। तो ये हो गया अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र देखते हैं। औपचारिक पत्र में क्या है, तीसरा प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना। अब हमें क्या करना है, अपनी फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र देना है। तो सबसे शुरू में क्या लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य जी वाजपेयी पब्लिक स्कूल नालंदा। सबसे पहले हम प्रधानाचार्य को संबोधन करेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर उसमें विषय लिखेंगे। विषय क्या है, शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना। फिर हम यहाँ पे विषय लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, महोदय सर्विनय निवेदन है कि प्रार्थी एक निर्धन विधवा का पुत्र है। परिवार आय का कोई मजबूत आधार न होने के कारण वर्तमान में आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मैंने गत वर्ष की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, जिसकी छाया प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय के शुल्क से पूर्ण मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। तो जो भी हमें फीस माफी के लिए बात कहनी है अपने प्रधानाचार्य से, वो हम बीच में लिख देंगे। उसके बाद हम अंतिम में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम कक्षा और दिनांक। अपना नाम लिखेंगे, कक्षा का नाम और दिनांक का नाम। ये इस तरीके से हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। अब हमें बच्चों बताया चौथा, चौथा प्रश्न है, मध्यंतर के बाद घर जाने की अनुमति मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र। अब में क्या है, हमारा जो इंटरवल हुआ उसके बाद हमें घर जाना पड़ गया, तो उसके लिए हम कैसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। हम लिखेंगे, शुरू करेंगे हम, सेवा में प्रधानाचार्य जी की पब्लिक स्कूल रामनगर। पहले हम ये शुरुआत करेंगे, बीच में हम देंगे विषय। विषय क्या देंगे, अवकाश हेतु, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, क्योंकि हमें अवकाश लेके जाना है। और हम उसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें हमें जो बात बतानी है वो, महोदय सविनय निवेदन है कि मेरी छोटी बहन को एक दुर्घटना में चोट आई है। इस घटना की सूचना मुझे अभी अभी प्राप्त हुई है। घर पर मेरी माता जी अकेली है, इसलिए अपनी बहन की देखभाल के लिए मुझे भी घर जाना पड़ेगा। कृपा करके मुझे मध्यंतर के बाद घर जाने की अनुमति प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। जो भी आपको अवकाश के लिए मतलब अवकाश जिस के लिए चाहिए, जो आपको बात बतानी है वो आप बात बीच में लिखेंगे, उसके बाद धन्यवाद करेंगे, और सबसे अंतिम में आप क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम कक्षा और दिनांक। ये बच्चों औपचारिक पत्र हुआ। अब हम देखते हैं इसके आधार पर हमें दिया है, अब बताइए। तो अब बताइए मैं बच्चों क्या है, बताइए में है निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखिए। क्या है, बताइए में निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखिए। अब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे हमें विषय दिए हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे। और बच्चों इसी के साथ यहाँ पे यह पाठ हमारा समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 18 पत्र लेखन का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सब बच्चे क्या करेंगे, इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।